हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। हमने कल जो आपको बताया था कैसे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन है, इसको आप लोग करेक्ट करें। तो हमने बताया था कि हम लोग इसको एंटी कॉन्फॉर्मेशन में इस तरह से लाते हैं और इस लाइन को वर्टिकल पे डिनोट करते हैं और फिर इसके लेफ्ट में जो होता है उसको लेफ्ट में और जो राइट में होता है उसको राइट में करते हैं, ठीक है? दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को y कॉन्फॉर्मेशन में लाते हैं, ठीक है? ठीक है, और फिर जो यहाँ पे ये कार्बन से लेटर से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है? फिर हम लोग ये जो C और F हमारी होती है ये वर्टिकल लाइन पे आएगी, C और F वर्टिकल लाइन पे आएगी, ठीक है? और फिर जो हमारे लेफ्ट में है B और E लेफ्ट में है C के ऊपर से देखने पे, ठीक है? हम लोग इसमें ऊपर से देखेंगे और B और E हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो B और E हमने लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड कौन है, A और D, A और D, ठीक है? इस तरह से दिस इज द एक्चुअल मेथड। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। सो दिस इज अ स्मॉल करेक्शन। हमने लास्ट टाइम इसका थोड़ा उल्टा बता दिया था कि हम लोग एंटी में करके करेंगे, तो दिस इज रॉन्ग। सो लाइक दिस। सो हमें लगता है डीपीपी में आप लोग जब किए होंगे तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत किए होंगे आपने, क्योंकि हमने गलत बताया था। तो आप एक बार फिर से उसको उन क्वेश्चंस को कर ले, ठीक है? और फिर हम डीपीपी डिस्कस करते हैं। सर, बोलिए। सो कैन यू रिपीट द पोजीशन ऑफ सी एंड डी? रिपीट द पोजीशन ऑफ सी, किसका, सी और डी का? सर, सी एंड एफ। सी एंड एफ, ओके। तो जो सी हमारा सामने है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो हमारा पीछे है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। एक मिनट, ऐसा करते हैं क्या? फिर गलत हो गया, एक मिनट। मेरे को कंफर्म कर दो, सी और एफ हमारा क्या होता है, सी आगे रहता है या सी नीचे रहता है? This is sure. C हमारा नीचे रहेगा, F हमारा ऊपर रहेगा। हम लोग सबसे पहले इसको सामने से देखेंगे। Sorry. ये हमारा आँख है। सामने से हम इसको देखेंगे। तो पहले हम लोग को C दिखेगा, फिर F दिखेगा, ठीक है? फिर हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे। तो C के जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड डाल दो, B और E, और डी और ए हमारे, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप वन सामने से देखना है, स्टेप टू हम लोग को ऊपर से देखना है, ठीक है? या फिर ऊपर से अगर नहीं भी देखे तो चलेगा, सामने से जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में कर दिया, राइट में जो दिख रहा है उसको राइट में कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, तो हमारा काम क्या होगा, हमने बस यही उल्टा बता दिया कि हम एंटी कॉन्फॉर्मेशन से देखना शुरू करते हैं, which is wrong, ठीक है? हम लोग इसको कोई भी configuration हो उसको eclipse पे लेके आते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये question number one आप लोग एक बार फिर से attempt कर लेना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने कल जो हमने पढ़ाया था उसके हिसाब से किया होगा, तो that is wrong, okay?
फिर हम डी क्वेश्चन से अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, कौन बताएंगे? ओके भव्या आप बताइए। बी वन सर OH माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को O से ले लेगा, ठीक है, देन वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने अटैक किया, एक H प्लस निकल गया यहाँ से, O माइनस बना, फिर O माइनस ने इंटरनल सब्स्टिट्यूशन किया, Cl माइनस निकला और पांच मेंबर हमारा साइक्लिक ईथर बन गया। सबने ये किया, ये क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? क्या हो गया, सब चलेगा? अमीशा आप बताइए बी का सेकंड आंसर, बी टू। RMDX क्या करेगा यहाँ पे? सर H निकलेगा और O का इंटरनल सब्स्टिट्यूशन होगा और फिर वहां पे R माइनस रिप्लेस होगा। R माइनस कहाँ पे रिप्लेस होगा? सर क्लोरीन निकलेगा तो जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वहां पे R माइनस अटैक करेगा। बोलिए बोलिए। देखो हमने कल क्लास में बताया था वहां पे O माइनस अटैक करेगा। हाँ, O माइनस बनेगा कैसे? That's what I'm asking. How this O minus is getting formed? यहाँ पे समझ में आ रहा है OH माइनस पे अटैक करेगा, H प्लस निकलेगा, OH माइनस इज अ बेस, ठीक है, यहाँ पे कैसे O माइनस बनेगा? हाँ, यहाँ पे R माइनस हमने कल बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लास्ट क्लास में, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा था लास्ट क्लास में, RMGX, ठीक है, हमने बताया था R माइनस का सोर्स की तरह ही एक्ट करता है, दिस कैन एक्ट एज अ बेस आल्सो, न्यूक्लियोफाइल आल्सो, और जब भी ऐसा क्लैश हो दोनों के बीच तो हमेशा क्या होता है, बेस की तरह ये एक्ट करता है ज्यादा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर कुछ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हमेशा ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह, याद है हमेशा? यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी जब हम लोग वापस आ जाते हैं, आ गया, इस क्वेश्चन में R माइनस हमारा दो काम कर सकता है, या तो पहले जो आपने बताया कि Cl माइनस निकाल के जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पे अटैक करे तो ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, राइट? यस सर। या फिर ये R माइनस हमारे H, यहां से H प्लस निकाल के यहां पे एज बेस एक्ट करे, ठीक है, होगा ना, बेस एक्ट, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, H प्लस निकाल रहा है, ठीक है। तो हमने बोला था कि जब भी दोनों ऑप्शन हो तो सबसे पहले ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसने बेस की तरह एक्ट किया, O माइनस बनाया, फिर वो O माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा और फिर वही कंपाउंड बन जाएगा जो पहले केस में बन रहा है। सबको क्लियर है? हाँ हाँ बोलिए। यस सर। ओके सर, वो H किसके साथ रिएक्ट किया? R माइनस, ठीक है, H प्लस R माइनस ने H प्लस खींच लिया, आर एच बना लिया, ठीक है। देन थर्ड वन कौन बताएगा? ओशी आप बताइए थर्ड वन। सर HCl एंड दैट ड्रिंक कंप्रेसर नहीं, यहाँ पे Cl माइनस इज नॉट अ गुड बेस, दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। तो ये H प्लस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, OH माइनस R माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो H प्लस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Cl माइनस इज अ वीक बेस, यहाँ पे देखो अब कौन सा, कब H प्लस एक्सट्रैक्ट होगा कब नहीं होगा, अगेन यहाँ पे GOC का फंडा आता है, आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर, कौन सा डीपीपी चल रहा है, डीपीपी 5 चल रहा है ना, बी का 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है OH C, ठीक है,
सॉरी बी आर, इस पे हमने क्या डाला सी एल माइनस डाला, तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सी एल माइनस एच प्लस से रिएक्ट करे वो माइनस बने, वाई दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये नोट बना के लिख लो, कोई भी बेस है ठीक है, लेट अस से बी माइनस कोई बेस है जो किसी एसिड एच ए से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ए माइनस प्लस एच बी, सिंपल है ये, समझ में आ रहा है? हाँ, दिस इज द जनरल स्केलेटन ऑफ एनी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो व्हेन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई बता सकता है? व्हेन दिस रिएक्शन इज फीजिबल, बताओ मेरे को। तो व्हेन बी माइनस इज गुड प्लेस, हाँ, जब प्रोडक्ट्स क्या बने, लेस रिएक्टिव बने, मोर स्टेबल बने, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स मोर स्टेबल का मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब, और आसान भाषा में अगर हम इस अपने लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करें, मतलब एच ए जो एसिड है, एच ए इज अ बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू एच बी, बात समझ में आ रही है? In terms of acidity, मतलब HA का H आपका less protic है than HB. HA more acidic है in comparison to HB, ठीक है? हाँ. तो इस केस में आप देखो, तो इस केस पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, एक अल्कोहल है, हम लोग को देखना है Cl- के साथ ये रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो नाउ वी सी HCl इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू दिस ROH, बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा थर्मोडायनेमिकली। इज इट कम्प्लीटली क्लियर टू एवरीवन? तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे आप लोग करते थे Cl- का सब्स्टिट्यूशन होगा, Br- निकलेगा, वैसे हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सीधे Cl- का इधर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दिस इज HO, ठीक है, देन Cl, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कौन बताएगा? भव्य, आप बताइए फोर्थ वन। तो वो मिडिल वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन। जनरली किसी भी सी एच टू ग्रुप को हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन क्यों, क्योंकि इधर से दो तरफ से इसका क्या है, डबल बॉन्ड है, दो तरफ से इसके कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो अनायन बनेगा दैट विल बी हाईली एसिडिक, तो ये ओ एच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, एच प्लस खींचेगा यहाँ से, एंड देन वॉट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, वो यहाँ से एच प्लस जा चुका है तो अनायन बनेगा, एंड दिस थिंग। फिर इसके आगे भी होगा रिएक्शन भव्य? यस सर। कैसे होगा? Br निकल जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से ये अनायन निकलेगा, Br- निकलेगा और यहाँ पे जो डेल्टा प्लस होगा उससे ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो 1, 2, 3, 4 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है, तो 4 मेंबर रिंग बना दो आप, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 3 पे क्या है इसमें, डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड हो, कार्बन नंबर 4 पे C डबल बॉन्ड O CH3 निकला है, तो C डबल बॉन्ड हो CH3। क्लियर टू एवरीवन? बोलो किसी को इसमें कुछ डाउट है? नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट वन अविंशु, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा?
सर आर माइनस एच ओ पर रिएक्ट करेगा और MgX सबका वो Cl के जगह मतलब Cl को ले लेगा एंड देन इंटरनल नहीं MgX Cl को नहीं लेगा MgX Cl को क्यों लेगा O माइनस Cl को लेगा ठीक है या समझ में आ रहा है यहाँ से R माइनस H प्लस पे बस अटैक किया RH बन गया ठीक है और ये बचा O माइनस तो दिस O माइनस अटैक अंडर इस तरह से ठीक है तो एक दो तीन चार मेंबर रिंग बनेगा जिसमें कार्बन नंबर वन क्या है ऑक्सीजन मतलब एटम नंबर वन क्या है ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और फोर पे क्या है फोर पे कुछ नहीं ठीक है दिस विल बी द कंपाउंड दैट इज फॉर्मड सबको क्लियर है ये चीज ओके सिक्स नंबर ओएसी आप बताइए सर आर माइनस विल अटैक ओएच एंड इट विल मेक आरएच सबने बनाया ये चीज चलो ठीक है लास्ट वन सेवेंथ वन हु इज गोइंग टू टेल रिया नहीं आया इस क्लास में हेलो रिया यू आर देयर यस सर हाँ रिया आप बताइए सेवेंथ का आंसर कितने मेंबर ड्रिंक बनेंगे ठीक है तो सेम मैकेनिज्म जैसे अभी तक हुआ है OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे अनायन बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर ड्रिंक बनेंगे जिसमें एक हमारा ऑक्सीजन सबसे पहले एम जी क्या करेगा वो बताइए सीएल को ले लेगा किसको ले लेगा सीएल को नहीं दिस रिएक्शन इज एक्चुअली द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है याद है 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा यस सर सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं तो आरएक्स होता है हमारे पास कोई भी मेटल अल्काइल हैलाइड होता है अल्काइल हैलाइड उस पे हम मैग्नीशियम से उसका रिएक्शन कराते हैं तो सीधे हम लोग को RMgX मिल जाता है व्हिच इज ग्रिग्नार्ड वेरी सिंपल रिएक्शन ठीक है ओके तो यहाँ पे भी पहले वही होगा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहीं भी करा दो Mg का रिएक्शन यहाँ पे लेटर से करा दिया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा Cl दिस दिस और इस कार्बन से MgCl जुड़ा हुआ है ठीक है तो बेसिकली R MgCl इट फोर्स ऑफ अनायन ठीक है ये पूरा आपका R हो गया यहाँ पे अनायन बनेगा ठीक है और एज सून एज दिस अनायन इज फॉर्म्ड ये अनायन इधर अटैक करेगा और Cl माइनस निकल जाएगा एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबको दिख रहा है ये चीज कैसे हो रहा है अच्छा I'm telling it again, ठीक है? तो सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको समझ में आया व्हाट इज दिस Cl दिस 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 MgCl ठीक है एंड दिस कैन बी योर ये जो हमने रेड कलर से डॉट किया है दिस इज योर होल R ग्रुप ठीक है R MgCl बात समझ में आ रही है यस सो कार्बन आयन इज गेटिंग फॉर्म्ड एट द प्लेस व्हिच इज अटैच्ड टू मैग्नीशियम ठीक है तो ये वाला कार्बन हमारा जुड़ा है मैग्नीशियम से तो यहाँ पे कार्बन आयन होगा ठीक है और बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन दिस कार्बन विल हैव डेल्टा प्लस और ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सीएल माइनस विल लीव एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर ठीक है समझ में आया ओके सो दैट इज व्हाई हाँ बोलो सर CH2 डबल बॉन्ड हो रहा है मतलब वो MgX किधर गया हाँ वही बता रहे थे देखो तो दैट इज व्हाई ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ठीक है ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट का जो ये आर ग्रुप होता है, ठीक है, दिस आर कांट कंटेन एनी लिविंग ग्रुप, ठीक है, इस आर में कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई भी एक्स ने मतलब हलाइड नहीं होना चाहिए, मतलब सारे आ गए इसमें, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, ओटीएस वगैरह नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि वैसे केस में क्या होगा, सेकंड आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो आर है, इस आर के अंदर कोई एक इंटरनली ही अगर कुछ क्लोरीन है, ठीक है, जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेटस से कुछ ऐसा है, ठीक है, MgCl, MgX, ठीक है, तो यहाँ पे अनायन बनेगा बेसिकली, मतलब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप अगर आप लिखो एक तरीके से, तो इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस MgX प्लस, ठीक है, फिर ये माइनस इधर इंटरनली ही रिएक्ट कर लेगा क्लोरीन से, और फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चार मेंबर रिंग बना लो, चार मेंबर रिंग बना लो, कार्बन नंबर 1 से एक मिथाइल निकला हुआ, तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो R ग्रुप होता है, दिस कैन नॉट कंटेन एनी लिविंग ग्रुप, नहीं तो इंटरमोलिकुलर ही रिएक्शन हो जाता है और ये अनायन हमारा खत्म हो जाता है, बात समझ में आई सबको, हेलो इज इट क्लियर सर, इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होने में प्रॉब्लम क्या है, इंटरमोलिक्यूलर ही हो रहा है ना, इंटरमोलिक्यूलर ही हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आप लास्ट क्वेश्चन में MgCl क्यों निकाल दिए, कहां MgCl निकाल दिया, नहीं ये MgX तो निकल ही जाएगा जब अनायन रिएक्ट करता है, MgX तो निकल चुका है बाहर, ये MgX जो आपका होगा MgX प्लस जो है ये निकले हुए Cl माइनस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स MgXCl व्हाटएवर, इफ X इज क्लोरीन देन MgCl2, ठीक है, यस सर, सो लाइक दिस, तो अविंशु ने ये पूछा था MgX का क्या हुआ, तो MgX का वही MgCl2 बन के निकल जाता है, बात समझ में आई, यस सर, ठीक है, तो सिमिलरली इस केस में भी वही हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में Mg आप रिएक्ट करा तो MgCl का, ठीक है, यहाँ पे अनायन बनेगा, ये अनायन इधर से रिएक्ट करके इसको निकाल देगा, 1 2 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में MgCl बन जाएगा, मतलब यहाँ पे अनायन बनेगा, इसने इस पे रिएक्ट करके Cl- निकाल दिया, 1 2 3 4 चार मेंबर रिंग बन जाएगा, क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इधर कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है आगे बढ़े, यस सर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर सी, फाइंड द प्रोडक्ट एंड फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, सर पार्ट सी में एक डाउट था, पार्ट सी में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर मानना है या फिर थर्मोडायनामिकली, क्योंकि कार्बोकैटायन एक जगह स्टेबल हो रहा है, एक जगह एल्कीन स्टेबल हो रहा है, ओके, तो वो क्वेश्चन में अगर मेजर प्रोडक्ट पूछे सर, तो हम लोग उस पर टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मेंशनड हो तो हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर मानेंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर लो हो तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मानेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कौन से क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि कार्बोकैटायन कुछ और स्टेबल हो रहा है और एनायन मतलब फाइनल एल्कीन कुछ और स्टेबल हो रहा है, सर फर्स्ट क्वेश्चन में शायद, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है, ओके चलो ठीक है, देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SN1- या SN2- होगा, ठीक है, SN1- देखते हैं, यहाँ से Br- निकला, हमारा कार्बोकैटायन बन गया ये चीज, ठीक है, सो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन अलाइलिक, तो ये तुरंत रीअरेंज करेगा, एंड रीअरेंजमेंट से यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, एंड नाउ द Br OH- कैन अटैक बोथ this side and OH- can attack on this side also, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
प्रोडक्ट हो जाएगा एक सेकेंड, इस केस में हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा कट 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 OH, इस केस में हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा कट 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 OH, यहाँ पे तो दोनों ही कार्बोकैटायन सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है पर एल्किन फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकैटायन सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है लेकिन एल्किन फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके, कार्बोकैटायन जिसका ज्यादा स्टेबल है वो हम लोग मानेंगे, ठीक है, केसीपी हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशनड हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर, हम लोग काइनेटिकली जो भी हो रहा है उसी को मानेंगे, ठीक है। ये सब रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है? ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल आई थिंक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। ऐसा क्यों होता है, रिवर्सिबल क्यों नहीं होता है? सब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो एसिड कैटलाइज्ड जो होता है उसमें रिवर्सिबल होने की वजह से, हाँ कीटो इनॉल उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे अगेन वही बात हो जाता है जो हम लोग अभी रिएक्शन देखे, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसमें, ठीक है, या फिर क्या बोले ट्रांजिशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इस केस में भी वही है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, सो दैट इज वाई हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फिर सेकंड केस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो एक कंपाउंड यहाँ पे बना सकते हैं OH डाल के, फिर इसको आप रेजोनेंस करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपके दोनों प्रोडक्ट्स हम बस ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा एक क्या हो जाएगा Cl के साथ यहाँ पे OH डाल दो, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे OH डाल दो, यहाँ पे डबल Cl के साथ। कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो भी टू डिग्री है, ये भी टू डिग्री, दोनों आइडेंटिकल है एक्चुअली कार्बोकैटायन अगर आप देखो तो, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं पहले केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज दिस वन, ठीक है, और दूसरे केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज दिस वन, ठीक है, तो ये भी देखो एलाइलिक है, ये भी देखो एलाइलिक है, ये भी बगल में इसके एक मिथाइल ग्रुप है, इसके भी जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके भी एलाइलिक ग्रुप के जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, इसके भी एलाइलिक के जस्ट बगल में मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होगा, ठीक है, 50-50% दोनों बनेंगे, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इस केस में ये वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, दूसरा इसको रेजोनेंस करा दो, यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा वो रिंग के साथ और डबल बॉन्ड दोनों के साथ कॉन्जुगेशन है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, this will be the minor part, बात समझ में आ रही है सबको? Yes sir. Okay. फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक तो Cl- निकाल के यहाँ पे पॉजिटिव कर सकते हैं जो कि दो दो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में यहाँ पे मेजर, या तो अल्काइल करके यहाँ पे प्रोजेक्ट करो वो एक ही रिंग के साथ रहेगा कॉन्जुगेशन में, तो वो माइनर हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस थिंग, दिस इज माइनर, मेजर हमारा किधर बनेगा,
बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, किसी को मेजर माइनर में डाउट हो रहा है? कैसे आ रहा है मेजर, कैसे आ रहा है माइनर? नहीं ना? ओके, चलो ठीक है। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा सबसे पहले वी आर माइनस निकाल के। अब इस तरफ से उसको हम लोग कॉन्जेक्ट, सॉरी उल्टा कर दिए, इस तरफ से हम लोग उसको कॉन्जुगेशन में डाल सकते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, या फिर इस तरफ से कॉन्जुगेशन में डाल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो तीन प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, CHCOH, कट 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 कट, ऐसे है ना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH, कट OH, कट। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कट कट, ठीक है। अब इन तीनों में मेजर कौन होगा बताओ आप, ऑर्डर क्या होगा इसमें, फर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा कौन बनेगा, सेकंड नंबर पे कौन बनेगा, थर्ड में कौन बनेगा? सर फर्स्ट वाला मेजर होगा, फर्स्ट वाला मेजर होगा है ना, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में। यस सर। देन इन दोनों में सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो दिस विल बी मेजर, मतलब सेकंड मेजर, एंड दिस विल बी माइनस वन, ठीक है, क्लियर आ रहा है सबको? ओके, चलो सिक्स्थ पे आते हैं फिर। सिक्स्थ में क्या करना है, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, तो हमने बताया था यहाँ पे क्या है, Cl और SH क्या है, एंटी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे एंकाइमेरिक असिस्टेंस होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और उसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा रिटेन रह जाता है दो बार SN2 होने के कारण, तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, PH, H, H, OH, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इस केस में सेम रहेगा ना, एंटी पोजीशन पे रहना चाहिए इसमें, सिक्स में। हाँ सर, आप जो लास्ट वोट अपने एंटी पोजीशन पे गलत बता दिया था, इसमें सेम रहेगा? हाँ इसमें सेम रहेगा, ठीक है। एंटी नहीं, वो हमने गलत क्या बताया था, हमने वो न्यूमैन और फिशर वाले में गलत बताया था, ये सब चीज सही है, ठीक है। पहले Cl- निकलेगा, SPH पे अटैक करेगा, फिर ये ब्लॉक होगा तो नीचे से ही OH अटैक करेगा, ठीक है। दो बार SN2 होगा तो इसके कारण रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? तो इस केस में भी आप देखो SH और Cl क्या है, अपने एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, यहाँ पे भी सेम काम हो जाएगा, Cl निकलेगा, रिटेंशन रह जाएगा, ठीक है। तो बाकी पूरा आप एज इट इज ड्रॉ कर लो, दिस इज योर CH3, दिस इज योर SH, दिस इज योर हाइड्रोजन, कट, यहाँ पे आप सीधे लगा दो OH, और दिस इज अगेन योर CH3, दिस इज अगेन योर H। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। इसमें क्या होगा, इसमें रिटेंशन होगा कि नहीं? इन्वर्शन होगा इसमें। इन्वर्शन होगा, क्यों? सेम पोजीशन पे, मतलब दोनों सेम साइड पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट आपको समझना है, ठीक है। दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड अपने आप आउट घूम सकता है, ठीक है, तो घूम के ये एंटी पे जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। हाँ, इस पोजीशन में ये घूम नहीं सकता। कौन सा एग्जांपल ले ले? हाँ, ये 11 नंबर जैसे ले लो, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आपका फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ द रिंग, ठीक है, वो घूम नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड घूम सकता है और ये एंटी पे जा सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो जा सकता है तो चला जाएगा, Cl आपका नीचे आ गया, और Cl जब नीचे आएगा तो H और OH की पोजीशन क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये बन गया आपका CH3, ये बन गया आपका क्या, H, ठीक है। अब इस पे SS- माइनस का अटैक करा दो, आप रिटेंशन करा लो। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अबाउट
रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और जैसे होता है, सॉरी CH3, जैसे होता है वैसे हो जाएगा, ठीक है। एच हो गया आपका, एच हो गया। क्लियर टू एवरीवन? हेलो, समझ में आया? सिंगल बॉन्ड के बोर्ड घूम सकता है ना, सिंगल बॉन्ड के बोर्ड तो घूमता ही है, कॉन्फर्मेशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो घूम के एंटी पे चला जाएगा और फिर रिप्लेस करेगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो SH और CL आपका एंटी पे है, ठीक है, और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है इसके अब। खैर रिस्ट्रिक्टेड नहीं भी होता फिर भी एंटी पे है ही, तो हमारा काम हो गया, रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका आंसर ड्रॉ कर सकते हैं, SH और यहाँ पे क्या होगा OH। क्लियर है सबको? सर अब यहाँ पे क्या है, HCl सॉरी SH और CL, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड के बोर्ड रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ वैसा होगा नहीं जैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और वो पड़ोसी की मदद, एंकाइमेरिक असिस्टेंस, कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ठीक है। Cl- निकलेगा, OH- आएगा और इस कार्बन की कॉन्फिग्रेशन क्या होगी, पलट जाएगी, इधर का एज इट इज रहेगा और इधर कार्बन की कॉन्फिग्रेशन क्या होगी, पलट जाएगी, H ऊपर चला जाएगा हमारा, OH नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम काम हो रहा है, पीएच और सीएल, पीएच भी हमारा कर सकता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कल हमने लिस्ट लिखाया था उसमें फिनाइल भी था, याद है सबको? सिर्फ एसएच नहीं होता है, एसएच, एसपीएच, एससीएल, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, फेनाइल रिंग, ठीक है, ये सब भी हमारे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिन पोजीशन पे, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड के बॉर्ड घूम नहीं पाएगा क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ रिंग, तो यहाँ पे फिर से SN2 ही होगा सर, और इस कार्बन पे जो कॉन्फिगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके, यहाँ पे पीएच और सीएल क्या है, अपने एंटी पोजिशन पे, तो यहाँ पे रिटेंशन हो जाएगा, पीएच, एच, एच एंड OH, ठीक है। यहाँ पे हाँ लिख रहे हैं, क्या दिख नहीं रहा कुछ भी? डिले हो रहा है एक्चुअली, वन सेकंड, ज़ूम कर नहीं कर रहा क्या? अभी दिख रहा है? यस सर, पर कुछ लिखिए तो पता चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा आप लोग बताओ, कौन बताएगा? भव्य आप बताइए, नहीं रिया आप बताइए। OTS मतलब HCH3 का पोजीशन लेगा, उसके बाद OTS H का पोजीशन, उसके बाद O- अटैक करेगा। नहीं, OTS और CH3 को आप रिप्लेस क्यों कर रही हैं? रिप्लेस हम लोग तब कराते थे जब OTS हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन पे रहता, तो वर्टिकल लाइन पे अपने को दिखता नहीं है कि मतलब वो निकलेगा तो एंटी में कैसे हो रहा है, ठीक है। If the living group is present on horizontal lines, ठीक है, तब आपको वो कुछ कराने का जरूरत नहीं है, even number of interchanges। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप directly क्या कर सकती हैं? OCH3, OTS जिधर है, इधर से निकलेगा और इसके opposite side OCH3 आ जाएगा, ठीक है? तो OTS इधर से निकला, इसका opposite side कौन है? ये वाला। यहाँ पे आप OCH3 डाल दो, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस साइड डाल दो, बाकी सब अपना एज इट इज रह जाएगा। Is it clear to you? Sir. ठीक है? तो even number of interchanges हम लोग तब करते हैं जब OTS हमारा किधर रहता है, इधर, तो उस समय अपने को समझ में नहीं आता ये उधर से निकलेगा फिर किधर, कौन से कार्बन में डाले हम, ठीक है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो बात एकदम फिक्स है, ठीक है, बहुत सिंपल केस हो जाता है। समझ में आई? Yes, sir. Okay. Question number 14. अमीशा आप बताइए इसका क्या होगा?
सर सेम होगा, ओटीएस की जगह में एच आ जाएगा और उसके ऑपोजिट में CH3O-. वेरी गुड, ठीक है। और इसके नीचे ये कार्बन देखो आप कायरल नहीं है, हमने ऐसे बिना मतलब का बना दिया, ठीक है। दिस इज अ CH2CH3, ठीक है। वेरी गुड, चलो आप धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, अगेन देखो लिविंग ग्रुप और ये पड़ोसी की मदद, एंटी पोजीशन पे है दोनों, सीएल हमारा सामने से ऊपर है और एसएच हमारा पीछे से नीचे है, एंटी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। आराम से आप इसमें क्या करेंगे, रिटेंशन करा देंगे दो बार SN2 के कारण, ठीक है। तो करा दो रिटेंशन, सीएल की जगह लगा दो OH, दिस इज CH3, दिस इज H, इधर CH3, इधर SH। क्लियर है सबको? बोलो बोलो वाल को। यस ओके। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू SN1 एंड SN2, ओके, ठीक है। तो हम लोग हर क्वेश्चन का दोनों पार्ट करेंगे, पार्ट ए में हम लोग SN1 कंपेयर करेंगे, पार्ट बी में हम लोग SN2 कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, अमीषा आप बताइए SN1 का रेट क्या होगा 1, 2, 3, 4 में, सबसे ज्यादा किसका है SN1? सर फर्स्ट का। फर्स्ट का नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। SN1 के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन देखते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन बनता है ना SN1, तो कार्बोकैटायन इधर ज्यादा स्टेबल होगा, तो 4 > 3 > 2 > 1, ठीक है। SN2 के केस में क्या होगा, आप ही बताइए सर। बल्किनेस देखेंगे। बल्किनेस देखेंगे, तो बल्कि सबसे ज्यादा ये है, तो इसका रेट क्या होगा, ज्यादा की कम? सर आप कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं? SN2 इसका पहले का 1, 2, 3, 4। हाँ तो सर सबसे कम फोर्थ का हो जाएगा। सबसे कम फोर्थ का हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा 1 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 का, फिर हो जाएगा 3 का, सबसे कम होगा 4th का। वेरी गुड, चलो ठीक है। यहाँ पे इस पे आ जाते हैं SN1, SN2, ठीक है। ओशी आप बताइए इसका आंसर। सर फॉर SN2 सेकंड देन फर्स्ट देन थर्ड। सेकंड देन फर्स्ट देन थर्ड, ठीक है। SN2 सेकंड इज बेस्ट देन फर्स्ट देन थर्ड, वेरी गुड। SN1 के लिए सर फॉर SN1 it will depend on the solvent, no? Whether it is polar protic or polar ectotic. Good, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों solvent पे depend करेगा, if it is polar protic तो क्या होगा? Sir, polar protic होगा तो same होगा वो second, first and third. Second best, second क्या होगा? सेकेंड बेस्ट रहेगा, हम्म, एंड फर्स्ट देन थर्ड, ठीक है। पोलर अप्रोटिक में क्या होगा? पोलर अप्रोटिक में उल्टा हो जाएगा, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकेंड, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकेंड, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? सर यू हैड सेड दैट ऑर्डर। हाउ आई एम आस्किंग द रीजन। Sir, for polar protic, this iodine will be less soluble, less hydrated. Yes. So it will be more less bulky. It will be less bulky. नहीं, living group ability में हमने ये बताया था क्या? हमने तो nucleophilicity में बताया था. On nucleophilicity we are going to compare this, na? I- and this. Yes. For SN1 reaction. Polar protic both will
a solvent test, cations and anions. Polaropotic anions will not get solvated. Living group ability क्या है? I think living. One second, let me confirm this. लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो आई थिंक सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता था ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंडेंट ऑन सॉल्वेंट, रिमेंबर? यस सर. तो यहां पे दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है? यस ओके, इन बोथ द केसेस ऑर्डर विल बी सेम. अरे ये हट क्यों नहीं रहा है? ओके अब मैं ऊपर से एक बार अगर इसको सेव कर दो तो ये आता है. इसको वाइट कलर से पेंट करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेम, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है? सॉल्वेंट हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में देखते हैं, नॉट इन द केस ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है? सर, बट लिविंग ग्रुप एक बार लीव करने के बाद अगर सॉल्वेंट होके स्टेबल हो जाएगा वो तो ज्यादा अच्छा है ना. हाँ, लिविंग ग्रुप लीव होके सॉल्वेंट हो जाए तो बेटर है, लेकिन वहाँ पे दोनों फैक्टर काम करते हैं, ठीक है? तो आई माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, इसके कारण आई माइनस बेटर होना चाहिए, लेकिन लीव होने के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे? ज्यादा नहीं हो रहा है. हाँ, सॉल्वेंट ज्यादा ना हो रहा है तो वही केसीपी टीसीपी हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया भाव्या? यस सर. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन SN1 सर. हाँ बोलिए. SN1 को आपने ऑर्डर कैसे लिखा? SN1 को ऑर्डर हमने इसलिए लिखा क्योंकि SN1 में हम लोग क्या देखते थे, लिविंग ग्रुप कौन बेटर है, कार्बोकैटायन किसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है? कार्बोकैटायन तो सब में सेम ही बन रहा है तो उससे हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग ये देखेंगे लिविंग ग्रुप किसका बेटर है, ठीक है? हेलो हेलो, इज इट क्लियर? लिविंग ग्रुप तो SN2 का देखते हैं. लिविंग ग्रुप ये दोनों में देखते हैं, बेटर होने से दोनों में देखते हैं. आप DPP 1-2 देखिए, उसमें आपको SN1 में भी हमने क्वेश्चन करे हैं इसके, ठीक है? लिविंग ग्रुप इज इंपॉर्टेंट इन SN1 आल्सो. ओके सर, फिर हम लोग इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. SN1 का ऑर्डर क्या होगा भव्या, बताइए? सेकंड विल बी बेटर देन 1 एंड SN2 फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड. व्हाई सर? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है फर्स्ट केस में, तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और वो sp3 नहीं है. sn2 सब्स्टिट्यूशन हमेशा तभी होता है जब जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो sp3 होना चाहिए, ठीक है? sp2 पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है? इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए. आपको दिखाते हैं डायग्राम ड्रॉ करके. कहाँ चला गया? तो अगर आपका कुछ ऐसा कार्बन है, इसको हमने क्या बताया था, पहले ही दिन बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड, ठीक है? तो इस पे ना तो SN1 हो सकता है, SN1 के लिए क्या होगा? नॉट पॉसिबल. SN2 के लिए भी क्या होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल. इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है? यहाँ से आप सोच रहे होंगे कोई न्यूक्लियोफाइल आए, अटैक करे, निकल जाए, नहीं होता वैसे, ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, इसके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए. sn2 कांट टेक प्लेस ओवर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, ठीक
सो इसमें भी ऑर्डर वही हो जाएगा, सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, फर्स्ट पे दोनों ही नहीं होगा, SN1 भी नहीं होगा, SN2 भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या होगा, SN1 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर? बोलो जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? ओशी आप बताइए। Sir, for SN1, 1 will be better than 2? And SN2? Sir, SN2, 2 will be better. 2 will be better, why? बोलिए। अभी बताया ना हमने कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है SN2, उसके लिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। ये sp2 है, इस पे नहीं होगा। इन दिस केस आल्सो 1 विल बी ग्रेटर देन 2। क्लियर टू एवरीवन? सर आल्सो इन 2 द कार्बन इज इजीली अवेलेबल, सो कैन आई से कार्बन इज इजीली अवेलेबल मींस SN2 substitution के लिए उसमें second वाले में आपका carbon तो easily available है, मतलब second वाले में जैसा हम नहीं SN2 में carbon easily available है, क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा carbon। सर phenyl group में, मतलब जिसके साथ, हाँ phenyl group पे क्या carbon easily available है, मतलब क्या बोलिए। कुछ डाउट है आपको, मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं, कार्बन इजिली अवेलेबल का क्या मतलब है? सर आप एक कंडीशन बोले था ना, मतलब जो कार्बन मतलब इजिली अवेलेबल होगा जिस स्ट्रक्चर में, मतलब वो उसमें ज्यादा आपका SN2 होगा, कार्बन इजीली अवेलेबल हो ज्यादा SN2 होगा, नहीं ऐसा कौन सा कंडीशन होता है कार्बन इजीली अवेलेबल हो, नहीं ऐसा कुछ मेरे को याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक बार नोट्स रिवाइज करना, फिर बताना मेरे को एग्जैक्टली क्या डाउट है। ठीक है, ओके, फिफ्थ पे आ जाते हैं। अविंशु आप बताइए इसका क्या होगा, SN1 SN2, SN1 किसका अच्छा होगा, SN2 किसका अच्छा होगा? सर फर्स्ट SN1 में फर्स्ट वाला सेकंड से ज्यादा होगा, और SN2 में आपका फर्स्ट क्यों ज्यादा होगा सेकंड से? सर वो 5 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है सर, तो हमेशा जरूरी नहीं है 5 मेंबर ज्यादा। देखो SN1 में हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, राइट? तो दोनों केस में आप कार्बोकैटायन ड्रॉ कर लो, ये कार्बोकैटायन हो गया, इसमें ये कार्बोकैटायन हो गया, दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, अविंशु बताइए। अच्छा हाँ, थर्ड वन, क्या थर्ड तो कुछ है नहीं, 1 और 2 ही है, 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल, सॉरी सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्यों? सर अगर मतलब वो कंजुगेशन, मतलब वो रेजोनेंस से करे तो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो हाँ तो ये तो दो तरफ से रेजोनेंस कर रहा है ना, इसमें एक ही तरफ से रेजोनेंस है, तो 1 बेटर होना चाहिए ना। बोलिए अविंशु। यस सर। हाँ तो 1 इज ग्रेटर देन 2 आपका सही है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो ऑल्दो यहाँ पे ज्यादा कंजुगेशन है, बट दिस रिंग इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक, दिख रहा है? हाँ अविंशु, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आता है ना समझ में? हाँ, एंड सेकेंड रिंग इज एरोमेटिक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है,
तो सेकंड विल बी ग्रेटर देन वन नॉट द अदर वे अराउंड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी सेकंड इज ग्रेटर देन वन. ठीक है, ओके. एस एन टू के केस में क्या होगा, बताओ. सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होगा, anyone will tell, कोई बता सकता है? ओइशी आप ट्राई करेंगे, SN2 के केस में क्या होगा इस केस में? सर इसमें क्या फर्स्ट ज्यादा होगा सेकंड कम होगा? हाँ क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. स्टेरिक हिंड्रेंस किस में कम है, फर्स्ट में? हाँ एंगल ज्यादा है ना. नहीं वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस हाँ कह सकते हैं, फर्स्ट विल बी मोर देन सेकंड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बो का अटैक नहीं बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है. ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इस डेल्टा पॉजिटिव पे होगा, सीएल माइनस दिखेगा. यहाँ पे भी ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इजिली अटैक कर सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल इन कंपेरिजन टू नीचे वाले कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है इसलिए. लेकिन पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए SN1 के केस में सेकंड विल बी ग्रेटर देन. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बोलिए. वो सर क्लियर है. ओके चलो ठीक है, देन इधर आ जाते हैं. कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन. ओके, ओ तो यहाँ पे हमने शायद स्पेसिफाई नहीं किया था पहले के पहले क्वेश्चन में. जैसे इस केस में क्या हो रहा है, दो बार सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, तो आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन को ही बस कंसीडर करिए. ठीक है, इस केस में भी, इस केस में एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें भी एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, इसमें ऑर्डर बताइए क्या होगा. दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री. सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, वन टू थ्री में? भव्य आप बताइए. हेलो भव्या, ये किया है आपने? नहीं सर, ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये शीट ये वाला बचा है. ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो और किसी ने किया है? ओइशी आपने होमवर्क भेजा था, आप बताइए क्या होगा इसका, डी के वन का? सर आई डिड नॉट. सर फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा. फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा. ठीक है, क्यों? इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है. इंट्रामोलिक्यूलर का रेट ज्यादा होता है. ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज इंट्रामोलिक्यूलर. ठीक है, SH माइनस इधर से अटैक करेगा, CL माइनस करेगा. वेरी गुड. सेकंड और थर्ड को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, सोचो थोड़ा सा. सेकंड और थर्ड में क्या कैसे? तो यहाँ पे थर्ड का बेटर होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक ग्राउंडिंग. ठीक है, यहाँ पे ये बल्की ग्रुप हमारा ऐसे बड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए से थर्ड वाला बेटर हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलिए सर. बट इंटरमोलिक्यूलर तो आपका इजीली हो सकता है, मतलब नहीं, इंट्रामोलिक्यूलर का होगा ना ओरिएंटेशन होना चाहिए एंटी. ठीक है, एंटी ओरिएंटेशन होना चाहिए इंट्रामोलिक्यूलर, यहाँ डायरेक्ट सेम साइड से नहीं हो सकता. सेम साइड से तब हो सकता है जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके एंटी हो सके, यहाँ पे लेकिन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ रिंग. ठीक है, ओके. फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, ओइशी आप बताइए.
हेलो हेलो ओशी, कैन यू हियर मी? शी इज देयर इन मीटिंग ना? नो, शी इज नॉट देयर इन मीटिंग. रिया आप बताइए. So first is greater than second. First is greater than second. Why? So CL tutorial question. ठीक है, ये एंटी पोजीशन पे पोजीशन पे तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एंटी पोजीशन पे नहीं है तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर होगा. बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा. ठीक है, इंट्रा का रेट ज्यादा होता है. ओके, देन नेक्स्ट वन अमीशा आप बताइए, थर्ड वन. सर फर्स्ट विल बी ग्रेटर. फर्स्ट विल बी ग्रेटर, व्हाई? सर इंट्रा. नहीं, फर्स्ट में इंट्रा नहीं होगा. इंट्रा के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होना चाहिए ना. एंटी होना चाहिए. हाँ, लेकिन यहाँ पे सेम साइड है, एंटी नहीं है. बात समझ में आ रही है? साइड समझ नहीं आ रहा है. ओके, हमने बताया था ना सिक्स मेंबर रिंग में जब भी आपको देखने में डिफिकल्टी हो तो आप क्या करेंगे, एक्सियल वाले को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे SCH3 नीचे है, मतलब हाइड्रोजन इसके ऊपर है. ठीक है, और हाइड्रोजन और सीएल एंटी में दिख रहा है. यस सर. ठीक है, ये एंटी में है तो ये दोनों सिस में होंगे. ठीक है. ओके सर. क्लियर? पक्का क्लियर? ओके, और यहाँ पे क्या होगा सेकंड में? सर एच और सीएल एंटी में होंगे. एच और सीएल एंटी में होंगे. कौन सा एच? ये वाला एच या फिर ये वाला एच? सर ऊपर वाला. ऊपर वाला एच सीएल के साथ एंटी में है? नहीं नहीं ऊपर वाला एच नीचे वाले एच के साथ एंटी में है. ठीक है, हेलो, बात समझ में आ रही है? हाँ हेलो. हाँ सर. तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, हमारे सिस में है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेट कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों का रेट एक मिनट कर सकते हैं क्या? चलो सोचने दो मेरे को. CH3 सर पहला वाला सीन है, सेकंड वाला तो एंटी ही है. सेकंड वाला एंटी. ठीक है, तो मैंने ड्रॉ इस तरह से किया है कि मेरे को लग रहा है. ठीक है, ओके, तो आप ये देखो ये वाला और ये वाला क्या है, हमारा एंटी है. ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भी हमारा क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए. ठीक है, तो देखने में भले ही नहीं लग रहा है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर ये दोनों एंटी है तो ये दोनों भी क्या होगा, इससे जो दोनों कार्बन जुड़े हैं ये दोनों भी एंटी ही होगा. ठीक है, तो सेकेंड वाला विल बी बेटर देन फर्स्ट वन. ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला साइक्लोहेक्सेन में कई बार हम लोग को देख के क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सिस है कि ट्रांस है. तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, जो भी हमें जो ड्रॉ दिया हुआ है, जैसे लेटर से इसका यहाँ पे SCH3 दिया है इस क्वेश्चन में. ठीक है, यहाँ पे इधर CH3 दिया है. ठीक है, या फिर CL दिया है जो कि. तो इसके अलावा जो एंटी है, इक्वेटोरियल से देखने में हम लोग को कभी कभी डाउट हो जाता है कि सिस है कि ट्रांस है. ठीक है, तो हम लोग हमेशा एक्सियल वाले के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे और फिर इस पे हम लोग कमेंट करेंगे. बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, इज इट क्लियर? बोलो वाल को. और एक बार थोड़ा समझाएंगे. हाँ देखो, साइक्लोहेक्सेन में हम लोग को कभी कभी इक्वेटोरियल जो होते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल का कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है कि ट्रांस, ये देखने में हम लोग को दिक्कत होती है. ठीक है, देखने में हमेशा या तो सिस लग सकता है या ट्रांस लग सकता है, होता हो सकता है आंसर कुछ और हो. तो इसीलिए हम लोग जब भी इस पे हम लोग को कमेंट करना हो, दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कुछ बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं वो सिस में है कि ट्रांस में, तो हम लोग डायरेक्ट उसको देख के कमेंट नहीं करेंगे. हम लोग उनके जो एक्सियल पोजिशन पे जो जो है, ठीक है, उस पे कुछ कंक्लूजन हम लोग लॉजिकली ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो एच होगा वो ऊपर होगा, यहाँ पे जो एच होगा वो नीचे होगा.
तो ये दोनों एच और एच क्या है, ट्रांस में है, हम लोग कह सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? दोनों एच ट्रांस में है। तो अब उस कार्बन से जो ये दोनों ग्रुप लगे होंगे, यहाँ हमारा एस सी एस थ्री और सी एल, ये दोनों भी क्या होगा, ट्रांस में होगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लो, जैसे रुको थोड़ा साफ से ड्रॉ करते हैं तो आपको क्लियर होगा। लेट अस से ये छह मेंबर ड्रिंक है, ठीक है? यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे SCH3 है, यहाँ पे CL, ठीक है? तो अगर ये और ये आपको पता है कि ट्रांस में है, ठीक है, दिस यू आर श्योर, फोटो देख के दिख रहा है, तो हम लोग लॉजिकली ये कह सकते हैं ना कि H और SCH3 भी क्या होंगे, अपने ट्रांस में होंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसीलिए हम लोग जब भी व्हेनेवर साइक्लोहेक्सेन में बहुत ये डाउट होता है, मेरे को भी अभी भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सियल पोजीशंस को ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पे इक्वेटोरियल के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? सर यस सर। फिर फोर्थ पे आ जाओ, अविंशु आप फोर्थ का आंसर बताइए, वन और टू में किसका बेटर होगा? सर इज इट वन? व्हाई सर? एच मतलब इधर ट्रांसपोजिशन में, पीएच और सीएल इधर क्या है, ट्रांसपोजिशन में, और इसमें पीएच और सीएल कहाँ है, सिस में है, ठीक है? लेकिन हमने क्या बोला, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके अबाउट रोटेट करके ट्रांस में जा सकते हो, ठीक है? तो इसमें दोनों का रेट सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इंट्रामोलिकुलर होगा, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर होगा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Okay. Then, सर आप एक बार इसके पहले वाला वो सेक्शन में थोड़ा जा सकते हैं? एक मिनट। ओके ठीक है सर। ओके देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में आप देखिए पीएच और सीएल यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है, ठीक है? और यहाँ पे पीएच और सीएल कहाँ है, सिस में है। तो ट्रांस में है तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा, सिस में है तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा, इंट्रा का रेट ज्यादा होता है तो वन इज ग्रेटर देन टू हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन डीपीपी सिक्स, SN1, SN2 और उनके reasons, ठीक है? तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है? आप लोग अपना मैच कर लेना और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना, ठीक है? तो या फिर आप लोग बताते जाओ, ठीक है? हम जल्दी जल्दी पूछेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है? फर्स्ट वन भव्य, SN1 में हम टिक लगाए कि क्रॉस करें? क्रॉस। क्रॉस व्हाई? कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है। हाँ, कार्बोकैटायन CH3+ is unstable, ठीक है? Okay, SN2 में ओइशी। टिक। ठीक। Why? Less steric hindrance, 1 degree. Less steric hindrance, ठीक है? Okay, then second में रिया आप बताइए, टिक और क्रॉस? क्रॉस। वाई? ठीक है, वन डिग्री जनरली हमारा क्या होता है, एस एन वन शो नहीं करता, ठीक है? वन डिग्री या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल, वन डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल, ठीक है? और यहाँ पे बताइए रिया, टिक लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, सेम रीजन, ठीक है? ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कौन बताएंगे और कौन करेंगे? अमीशा आप बताइए, चाहे छोड़िए ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें दोनों में क्रॉस लगेगा, ठीक है? बिकॉज़ F- इज पुअर लिविंग ग्रुप।
इसका ना तो SN1 ही होता है ना तो SN2 होता है. इसमें इलिमिनेशन में भी ना तो E1 होता है ना E2 होता है. हम लोग इसका स्पेशल केस देखते हैं फ्लोरीन के केस में. सब रूल अलग चलता है इसका. ठीक है, फ्लोरीन माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप. ना SN1 करेगा ना SN2 करेगा. ठीक है, यहाँ पे SN1 हमारा कर देगा बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल. ठीक है, और SN2 नहीं करेगा बिकॉज 3 डिग्री में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस. क्लियर है सबको? यस सर. ओके, देन दिस इज विनाइल कार्बोकटायन. विनाइल कार्बोकटायन हमने अभी देखा ना SN1 करेगा ना SN2 करेगा. SN1 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विनाइल कार्बोकटायन अनस्टेबल. SN2 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हमारे SN2 शो नहीं करते. देन नेक्स्ट वन इज अलाइलिक. इसका भव्य आप बताइए. 6 नंबर SN1 करेगा? हाँ सर, SN1 करेगा. क्यों? कार्बोकैटायन स्टेबल है. कार्बोकैटायन स्टेबल है. और SN2? सर SN2 भी करेगा. क्यों? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, इतना लंबा चेन है. हाँ, लेकिन साइड वाले कार्बन को देखते हैं ना. साइड वाले कार्बन को देखते हैं. दैट इज आल्सो द रीजन. और ऑल्दो दिस इज अ वेरी बल्की ग्रुप बट स्टिल यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है क्योंकि सेम रीजन. बेंजीन का जैसे हम बनाया था, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन पूरा भले ही बल्कि मॉलिक्यूल है लेकिन इट इज प्लेनर, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेट, तो उतना हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी सारे एक प्लेन में ही होंगे. ठीक है, तो प्लेनर सबस्ट्रेट, hence less steric hindrance. Is it clear? तो allylic, allylic position पे दोनों favored होता है. SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है. ठीक, similarly phenyl जो है हमारा, ये vinyl की तरह ही होता है. सारे reactions भी इसके almost identical होते हैं. ठीक है, तो चूंकि इसका भी दोनों में cross लगा है तो इसका भी दोनों में cross लगेगा. reasons भी same ही है. यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल कार्बोकैटायन अनस्टेबल और यहाँ पे सेम sp3 नहीं है तो इसलिए SN2 भी नहीं हो सकता. फिर हम लोग इस पे आ जाते हैं और अलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड. ठीक है, दोनों का सेम होता है, दोनों में टिक लगेगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन आपका बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल और यहाँ पे टिक लगेगा क्योंकि प्लेनर है तो लेस स्टेरिक. देन 9th नंबर पे आ जाते हैं. 9th नंबर पे क्या होगा, कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए. SN1 क्रॉस क्रॉस बाय कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल. ओके, कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल. देन SN2 बोलिए SN2 के बारे में. SN2 also why? सिंपल है ना, 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 नहीं होता ना. बात समझ में आ रही है? Yes sir. So this is 3 degree, so steric crowding. ओके, देन 7th पे आ जाते हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10th. ठीक है, तो इसमें दोनों में प्लस टिक लगेगा. इसमें टिक इसलिए लगेगा क्योंकि 1 डिग्री, सॉरी क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनेगा, कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ठीक है, SN2 इसलिए होगा क्योंकि 1 डिग्री, 1 डिग्री में क्या होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों में टिक लगेगा. कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ ही कॉन्जुगेशन में, और दूसरा 1 डिग्री इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री में टिक लगेगा. हाँ बोलो. तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप 1 डिग्री कार्बन कैसे बोल सकते हैं, वो तो ऑक्सीजन से अटैच है. नहीं, ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है ना. ओ सॉरी,
वन डिग्री मतलब हाँ ठीक है, इसको वन डिग्री नहीं बोल सकते, वन डिग्री जैसा कुछ है ठीक है, लाइक दिस वन डिग्री नहीं बोल सकते, अल्काइल हैलाइड भी नहीं बोल सकते इसको, इथर है लेकिन वही है, वन डिग्री नहीं बोल सकते लेकिन स्टेरिक रीजन लेस स्टेरिक इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं हम लोग ठीक है, क्योंकि और कुछ ग्रुप्स नहीं है इसके पास, दो ही ग्रुप्स है ठीक है। ओके ट्वेल्थ में क्या होगा, कार्बोकैटायन इज स्टेबल, ऑक्सीजन का लोन पर क्या हिंडर नहीं करेगा, नहीं लोन पर हिंडर नहीं करेगा, हिंडर तब करेगा जब हमने बताया था ना झाड़ी जैसा कुछ होगा, CH3 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 CH3, वैसे कुछ बल्कि ग्रुप्स होंगे तो लोन पेयर क्या करेगा, छोटा सा ग्रुप है ठीक है। ओके देन 12th नंबर हमारा क्या है, कार्बोकैटायन इज स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस हमने बता चुका है, तो SN1 हो जाएगा, SN2 भी हो जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन हमारा क्या है, 1 डिग्री है, लेस स्टेरिक इन्फ्लुएंस। देन यहाँ पे हाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन में दोनों हो जाता है कम कम रेट में ठीक है, क्योंकि वन अब और आपको अगर ऑर्डर याद हो SN1 SN2 का, तो SN1 में क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो 2 डिग्री के केस में दोनों हो जाता है, SN1 भी हो जाता है SN2 भी हो जाता है, SN2 में भले ही थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है लेकिन चलेगा ठीक है, 3 डिग्री इतना नहीं होता है, 3 डिग्री में बिल्कुल नहीं होता है SN2, 2 डिग्री में हो जाता है टू सम डिग्री ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये तो हो जाएगा ठीक है, या ये भी टू सम डिग्री है ठीक है। देन अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे SN1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन हमारा क्या है 1 डिग्री अनस्टेबल ठीक है, और SN2 भी नहीं होगा क्योंकि क्या है बहुत बल्कि ग्रुप है इधर, ये वाला हम लोग देख चुके हैं, SN1 नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन है एंटी एरोमेटिक, और SN2 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा प्लस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, ओके तो ठीक है। आज आप लोग को जो होमवर्क मिलेगा पूरा पॉजिटिव हो तो दिक्कत है, डेल्टा पॉजिटिव हो तो अच्छा है मतलब कंजुगेशन में सारा ठीक है। ओके तो आज आप लोग को जो होमवर्क मिलेगा दैट विल बी मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन आपको ध्यान से पढ़ना है ठीक है, और उसके बेसिस पे कुछ कुछ नेम्ड रिएक्शन हम देंगे जो कि SN1 और SN2 के टाइप्स के ही होंगे, और बस आपको एक बार उसको गो थ्रू करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना ठीक है। तो कब है आपका अगला क्लास, हम लोग का फ्राइडे को ना, कल क्लास नहीं है राइट ठीक है, तो 2 or 3 DPPs I'll give by 10 o'clock, अगर नहीं आता है तो कोई कॉल करके मेरे को याद दिला देना, I'll upload ठीक है। चलो आज किसी को कुछ डाउट है जितना पढ़ाया उसमें, नहीं है ओके चलो ठीक है, then we are ending the class here, thank you very much। सर आप ये स्लाइड और कल का स्लाइड क्या, आज का रिकॉर्डिंग ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क का DPP रिकॉर्डिंग और ये नोट्स ठीक है, अगर 10 बजे तक ग्रुप पे हमने नहीं डाला तो हमको कोई कॉल कर देना एक बार ठीक है। सर आप कल का वो आपका ये भेज सकते हैं, मतलब स्लाइड्स आप
स्लाइड्स, ठीक है, हम स्लाइड्स डाल देंगे. ओके थैंक यू. 10 बजे तक अगर नहीं आया तो कॉल कर देना एक बार मेरे को. ओके चलो, कौन कॉल करेगा? भव्य, यू कैन कॉल. ठीक है. ओके सर. ओके चलो ठीक है. गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच.